अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उज़ैर। आज हम मौजूद हैं मिलेनियम मॉल पे और आपको दिखाते हैं आके हालात कैसे हैं। पुलिस वाले लेडीज पे भी सेल कर रहे हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो जो इमरान खान के सपोर्टर हैं आज घरों से बाहर निकले और ये इमरान खान डी आई जिंदाबाद, और मैं आपको दिखाता हूँ पुलिस वाले सेलिंग कहाँ से कर रहे हैं। वो आप देख सकते हैं कुल से पुलिस वाले सेल कर रहे हैं। जी तो हम मौजूद हैं मिलेनियम के बिल्कुल सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमरान खान की सपोर्ट के लिए छोटे बड़े बुजुर्ग लेडीज़ सब मौजूद हैं, और सामने पुल पे से पुलिस वाले शेलिंग कर रहे हैं, और दो तीन बार उन्होंने लेडीज़ पे भी शेल की है। पुलिस का शेल पुलिस पे ही फेंका गया दोबारा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया की कितनी गाड़ियाँ मौजूद हैं, और यहाँ पर चारों तरफ पुलिस और रेंजर्स की मोबाइल भी मौजूद हैं। जी तो आप लोगों ने देखा कि मीडिया और रेंजर्स और पुलिस के मोबाइल कितनी ज़्यादा थी, लेकिन लोग जब भी इमरान खान की सपोर्ट के लिए नारे लगा रहे थे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो अपने घरों से निकलें और इमरान खान को इंसाफ दिलाएं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया की कितनी गाड़ियाँ हैं, और सामने ट्रैफिक पुलिस रेंजर्स सब हैं, और शेलिंग हो रही है ब्रिज के ऊपर से। और देखें एंड में हमें कौन मिला। तो मैंने सोचा पहले मैं आपको पीछे से दिखाई थी मीडिया की गाड़ी पुलिस मोबाइल, तो मैंने सोचा आगे से दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ पुलिस वाले हैं और मोबाइल ही मोबाइल है पुलिस की। और यहाँ पे हमारे पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, जेंट्स भी हैं, और इसमें लेडीज़ भी हैं। और अगर पब्लिक एक हो जाए तो ये लोग इमरान खान का कुछ नहीं कर सकते।